किसी भी गड़बड़ी की बात से साफ इनकार किया। साथ ही कहा कि ये जो पूरी कहानी है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा गढ़ी गई है, जिन्होंने उम्मीदवारों से CBT 2 यानी अगले स्टेज की प्रिपरेशन के लिए पैसा तो ले लिया, लेकिन जो उम्मीदवार CBT 1 में पास नहीं हुए उन्हें वो कोचिंग वाले अब समझाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जब न्यूज तक ने पूछा कि क्या रिजल्ट्स को रिवाइज किया जा सकता है, क्या नए रिजल्ट्स घोषित किए जा सकते हैं, तो उस पर बोर्ड ने कहा कि अब बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी नतीजे नहीं बदले जाने वाले हैं। जिस तरह से जैसे घोषित हुए हैं नतीजे वही रहेंगे। साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अब एक नोटिफिकेशन को जारी करते हुए छात्रों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर पॉइंट वाइज सफाई दी है। सबसे पहले बात कर ले कट ऑफ के मुद्दे की। रेलवे ने कहा कि कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर प्रिपेयर की गई है, जो कि आमतौर पर रॉ स्कोर से ज्यादा होता है। बोर्ड ने आगे कहा कि कट ऑफ उस लेवल या पोस्ट पर निकाली गई नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है। चूंकि लगभग 35,000 रिक्तियों में से 10+2 उम्मीदवारों के लिए 21 RRB में लगभग 10,500 रिक्तियां नोटिफाई की गई हैं, जहां ग्रेजुएट उम्मीदवार एलिजिबल है वहां 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर ग्रेजुएट उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर सफाई। कुछ उम्मीदवारों को एक से ज्यादा लेवल्स पर एलिजिबल माना गया है और शॉर्टलिस्ट किया गया है। रेलवे ने इस पर कहा कि चूंकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कठिनाई ग्रेड के साथ दूसरे चरण की CBT परीक्षा होगी, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उसे निचले स्तर के CBT में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है अगर उम्मीदवार योग्यता में आ रहा है। तीसरा आरोप, पहले 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ता था लेकिन अब एक ही कैंडिडेट 10 पोस्ट के लिए लड़ेगा। इस पर बोर्ड ने कहा कि अंत में लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। इसका मतलब कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा। चौथा आरोप, RRB ने नोटिफाइड वैकेंसीज के केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट किया है। इस पर सफाई देते हुए यहां बोर्ड ने अपनी बताई गई नोटिफिकेशन के पैरा 13 का हवाला देते हुए कहा कि ये शॉर्टलिस्टिंग नोटिफाइड वैकेंसी के 20 गुना की दर से लेवल पोस्ट वाइज किया गया है।